मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विकसित भारत यात्रा के कार्यक्रम में झरना टोला स्थित नीना थापा इंटर कॉलेज में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण एवं संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में झरना टोला स्थित नीना थापा इंटर कॉलेज में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत यात्रा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो देखा और सभी नागरिकों को भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने में शपथ दिलाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार की तरफ से चल रही योजनाओं उज्ज्वला, आयुष्मान, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से पूछा कि योजना को दिलाने में किसी ने पैसा तो नहीं मांगा, जिस पर सभी लाभार्थियों ने बताया कि किसी ने किसी तरह का पैसा नहीं लिया, हमको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यही पीएम मोदी का संकल्प है, जिससे देश के हर गरीब को योजना का लाभ मिले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपने प्रधानमंत्री का संदेश सुना, देश को विकसित बनाने के लिए हमारा क्या दायित्व है, इसके लिए संकल्प भी लिया। विकसित भारत यात्रा का उद्देश्य क्या है, मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से लाभार्थियों को, मुँह से उनकी सफलता की कहानियों को भी सुना। यह अपने आप में एक अभिनव प्रयास है जो प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप है, जो बिना भेदभाव के गरीब का कल्याण करना है, उस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, इन्हीं योजनाओं को लेकर इनका प्रचार प्रसार करने के लिए 15 नवंबर को प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, जो कि पूरे देश में जा रही है। इसमें जिन्हें योजना का लाभ मिल रहा है वह योजना के बारे में बोल रहे हैं, जिन्हें नहीं मिला है उनका रजिस्ट्रेशन करके दिलवाया जाएगा। यही मोदी की गारंटी है, जिसको पीएम मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, झरना टोला के पास एयरपोर्ट बन गया है। 2017 के पहले यहाँ पर एक फ्लाइट आती थी, अब 14 फ्लाइट आ रही है। यहाँ एम्स बन चुका है और फर्टिलाइजर खाद कारखाना बन चुका है। पहले यहाँ के लोगों को जाम में फंसना पड़ता था, अब फोर लेन बनने से जाम की समस्या दूर हो गई है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हमने कैसे बात की नीना थापा इंटर कॉलेज में कुछ महाराज जी का आगमन है। बड़े भाग्य से महाराज जी का दर्शन पूरे भारत में जहां भी जाएगा, कि महाराज जी का दर्शन ना होगा, महाराज जी कैसे बोलाना, महाराज जी कैसे बतियावाना, महाराज जी का भोजन का बा, महाराज जी कैसे चलाना, और समस्त गोरखपुर का भाग कि महाराज जी के सानिध्य हमके मिलाता, इसे हमी के पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। एक जोरदार ताली से महाराज जी का स्वागत होने के चाहिए। जय हो महाराज जी। गोरखपुर नामी समस्त उत्तर प्रदेश का दिशा दशा बदल देला। उत्तर प्रदेश सदैव ऋणी रहे महाराज जी आपका। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी जे हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष वाड़न उत्तर प्रदेश के रमनसी महोदय, उनके स्वागत। डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी माननीय महापौर जी, उनके स्वागत बाटे। श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, आपके स्वागत बा। श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा, आपके स्वागत बा। श्री राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर के अध्यक्ष कर्मठ, उनके स्वागत बाटे। और जितना भी हमारे पार्षदगण यहाँ बैठल वाड़न, सबके नाम प्रमुख जी बैठल वाड़न, सबके हम चीना के नाम ना ले कहे कि बहुत सारा नाम बा महाराज, नाम देख लेंगे सबके, ताकत थी सबके नाम ले तो फिर सबके ले लेंगे भाई, कहा तो जुगनू ना दे भाई। विकसित भारत की रथ यात्रा संकल्प यात्रा बाटे, लाभार्थी लोगों खातिर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी रथ यात्रा, और यह बहुत सारा स्टॉल देखा भी पूज्य महाराज जी, वहां पे सब निरीक्षण किए, लाभार्थियों को कंबल वितरण किए। कल राति के विरायन बसेरा में अचानक मुख्यमंत्री आवास, 80 करोड़ की जनता के 5 साल और प्रधानमंत्री जी अनाज के लिए मुफ्त का घोषणा कर देना, क्यों नहीं समझे, सब लोग सोचते कोरोना काल तक रहे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ओके भी बढ़ा देना है। एलपीजी के कनेक्शन में महाराज जी दीपावली पर
गैस सिलेंडर और होली पर देर था ना, ये कभी हम सुने नहीं थे, कभी हम सोचे नहीं थे कि ऐसे सड़क क्या बन जाएगी। अभी गुड़ैया नाला पे हम लोग गए थे, गुड़ैया नाला पे हो इतना भव्य प्रोजेक्ट हम कभी सोचे नहीं थे, जो पूरा रामगढ़ झील से पूरा इलाका जो आप लोगों के इलाका पर जहां पानी की जल जमाव की समस्या है, कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट लग के वहां पे पूज्य महाराज जी वो पूरे नाले के पानी को वहां पे सब जमा होके भर जाए और वहां पे वो पानी स्वच्छ होगा दोबारा पीने के लिए। ये प्रोजेक्ट हम देखे, ये बहुत ही फॉरेन कंट्री के प्रोजेक्ट्स हैं, ये इंडिया में कोई बड़े शहरों में होते हैं, गोरखपुर में हो रहा है। धन्यवाद महाराज जी। झरना टोला और क्या क्या योजना का लाभ मिला आपको महाराज जी? आपको हॉस्पिटल सब है हमारे पास। क्या क्या? गैस सिलेंडर है। अब तो कोई समस्या नहीं है ना? कोई नहीं है। तो आप खुश है ना परिवार में सब लोग? किसी ने पैसा तो नहीं मांगा? नहीं। अन्य गरीबों को भी अगर आप बताएंगे कि बिना किसी भेदभाव के की सरकार इन योजना है, कहाँ पे? सिविल लाइन में। अच्छा, कितना आपने लिया था? हाँ हाँ, बिक्री ठीक होती है, कोई समस्या तो नहीं है, पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई ना? इससे कितनी कमाई हो जाती प्रतिदिन? प्रतिदिन कमा लेते हैं तो परिवार खुश है। और क्या क्या योजना का लाभ मिला आपको? अरे कर दे, माइक पकड़ ऐसे बोले ना भाई। गैस भी है, हाँ, सरकार भी है, हाँ, सब कुछ है हमारे। बच्चे कितने हैं? पाँच। दुकान का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के। अगली लाभार्थी हरित उत्पादन हेतु योजना के लाभार्थी कोमल कुमार जी मोहद्दीपुर से। वंदे विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज इस झरना टोला में आयोजित इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, लोकप्रिय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, हमारे सभी पार्षदगण श्री रमेश प्रताप गुप्त जी और अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना भैया पैर लग रहा है। आज आपने प्रधानमंत्री जी का संदेश भी सुना, देश को विकसित बनाने के लिए हमारा क्या दायित्व है, इसके लिए संकल्प भी लिया। विकसित भारत यात्रा का उद्देश्य क्या है? मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से लाभार्थियों के मुख से उनकी सफलतम कहानी को भी सुना और जो लोग अब लाभान्वित हो रहे हैं उनके सर्टिफिकेट यहां पर वितरण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। अपने आप में एक अभिनव प्रयास, इन योजनाओं को लेकर के इसका प्रचार प्रसार करने के लिए
15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की थी और विकसित भारत संकल्प यात्रा आज अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए गांव गांव जाकर के जिन्हें योजना का लाभ मिला वे योजना के बारे में बोलेंगे, जिन्हें नहीं मिला उनका रजिस्ट्रेशन होगा, जो प्रदर्शनी लग रही उसमें उनका लाभ दिया जाएगा, जो फिर भी रुक जाएंगे उन तक लाभ पहुंच करके रहेगा और यही मोदी गारंटी है। मोदी जी यही गारंटी देने के लिए विकसित भारत की संकल्प यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। भैया बहनों, आज आप गोरखपुर में देखते होंगे ये झरना टोला, इसके आसपास से लोगों के लिए एयरपोर्ट नजदीक बन चुका है। 17 के पहले गोरखपुर में एक फ्लाइट आती जो कभी कभी आती थी, आज गोरखपुर में 14 फ्लाइट है। 14 पहले आपको झरना टोला के पास भी रेलवे क्रॉसिंग में जाम में फंसना होता था और पूरा घाट में फंसना पड़ता था, नंदा नगर में फंसना पड़ता था। आज इस समस्या का भी समाधान हो गया। एम्स आपके सामने आ गया है, एम्स चालू हो गया है। पहले मोदीपुर में जाम, कूड़ाघाट में जाम, शहर में जाम, असुरन में जाम, आज सब फोर लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। पहले आपके घर में अतिथि आते रहे होंगे काम घुमाने के लिए लेके जाए, आज आप रामगढ़ ताल भी जा सकते हैं, गोरखनाथ धाम भी जा सकते हैं, गीता प्रेस भी आसानी से जा सकते हैं, कहीं भी अगल बगल गोरखपुर में घूमने के लिए ढेर सारी जगह मिल गए हैं। ये नए बदलते हुए प्रवेश के रूप में हम सब जैसे भारत बदल रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश बदल रहा है, वैसे ही गोरखपुर भी बदल करके रहेगा और हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन करके रहेगा और इसी विश्वास के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं। अगले एक सप्ताह के अंदर हमें खिचड़ी मेले की तैयारी में भी जाना है, खिचड़ी मेले में आनंद भी लेना है, लेकिन उससे पहले हम सब अपने यहां साफ सफाई के बारे में ध्यान रखें। जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं वैसे ही अपने मोहल्ले को भी स्वच्छ रखें, अपने वार्ड को स्वच्छ रखें, अपने नगर को स्वच्छ रखें। याद रखना स्वच्छता कितना बड़ा कार्य करती है। इंसेफ्लाइटिस, ये मस्तिष्क ज्वर की जो बीमारी होती थी, ये मस्तिष्क ज्वर उसी गंदगी का परिणाम था। आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लोगों ने स्वच्छता के अभियान को अपनाया, बीमारी चुनौत हो गई, गायब हो गई, समाप्त हो गई। हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें होती थी, आज मौत के आंकड़े जीरो पहुंच रहे हैं, जीरो है। यानी सभी बच्चे बच गए, देश के मूल्य धरोहर बच रही है, देश का भविष्य सुरक्षित हो रहा है। एक नई उपलब्धि है, इसलिए स्वच्छता का संदेश घर घर लेकर के जाना है। जिन